कीड़े हैं ये, ऐसे फ्राई करके खाया जाता है। डर नहीं लगता? नहीं। यहाँ की लोकल ड्रिंक ट्राई कीजिए, इसमें अल्कोहल कितना होता है? 100%। नमस्ते इंडिया, मैं हूँ आपकी अपनी जो। ट्रैवल विद जो चैनल पे एक बार फिर स्वागत करती हूँ। फिलहाल मैं हूँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में, और यहाँ पे हम आए हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स हॉर्नबिल फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए, जो कि होता है हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच में। तो ये 10 दिन में पूरा आपको रिच कल्चर, रिच हेरिटेज और यहाँ की ट्राइब्स कैसे पार्टिसिपेट करती हैं, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। लगभग 17 ट्राइब्स जिनकी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज होती है, अलग अलग कल्चर होते हैं, मतलब एक छोटे से स्टेट में, छोटा सा नागालैंड है, छोटा सा स्टेट है, बट स्टिल वहाँ पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है ना, उन ट्राइब्स के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, कैसे वो आपके फोकलोर, डांस, फूड, ये सब कुछ बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस यहाँ मिलने वाला है। फर्स्ट टाइम मैं नागालैंड में आई हूँ, बट वैसे बहुत से लोगों से सुना था कि नागालैंड मत जा यार, इट कुड बी हॉरिबल, बट मुझे यहाँ के लोग इतने ज्यादा फैमिलियर लगे, इतना मजा आया। यहाँ पे हमने इस होम स्टे में स्टे किया है, मैथसी होम स्टे, बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है, बहुत ही बजट फ्रेंडली है। यहाँ पे आपको रूम्स, डॉर्मिट्री सब मिल जाएगा, उसका भी एक छोटा सा टूर दूंगी बट एंड ऑफ द वीडियो। हॉर्नबिल फेस्टिवल का जो नाम है वो हॉर्नबिल कलरफुल बर्ड होता है, कलरफुल जंगल बर्ड हॉर्नबिल उसके नाम पे रखा हुआ है, और जो कि एक फोकलोर यहाँ का उसको रिप्रेजेंट करता है। तो चलते हैं हम ट्राइब्स को एक्सप्लोर करने, स्टे ट्यून गाइस। यहाँ पे है ये निकी जिन्होंने हमारे लिए बनाया है गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे आपको ब्रेड टोस्ट, ब्रेड ऑमलेट ये सब मिल जाएगा विद गर्मा गर्म चाय। सो ये निकी है, बहुत ही प्यारी, ब्यूटीफुल गर्ल, थैंक यू। और यहाँ की किचन बड़ी ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है, देखो यहाँ पे पुराना सा कुछ सेटलमेंट भी मिलेगा। लकड़ियों से यहाँ पे पानी वानी गर्म किया जा रहा है। आपका क्या नाम है? इन्होंने हमारे लिए बहुत ही उम्दा ब्रेकफास्ट बनाया है। बस ये आपको यहाँ पे पहाड़ों वाले जोन में ना, अगर आपको ये मिल जाए ना, तो इससे अच्छा ब्रेकफास्ट कुछ हो नहीं सकता। इतना वार्म वेलकम करते हैं यार, द पीपल आर रियली सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू। ट्रैवल विद जो, ओके। यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली है, मुझे तो इतना अच्छा लगा इन लोगों से मिलके, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा मैं नागालैंड में हूँ। सब लोग नागालैंड के बारे में बहुत सी परसेप्शन बनाते हैं कि नागालैंड ऐसा है, इट्स हॉरिबल और समथिंग, बट नो, द पीपल आर सो काइंड, सो जेनरस, एंड आई एम एंजॉइंग द वाइब्स। यहाँ पे माउंटेन वाली वाइब्स भी है। यहाँ की धूप है ना बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, दिन में यहाँ पे थोड़ी गर्मी है। रात को जब मैं आई थी तो हमने जैकेट वेयर की थी। देखो यहाँ से हम होम स्टे से निकल चुके हैं, रास्ता कुछ ऐसा है बिल्कुल ऑफ बीट, पूरा जंगल के बीच में बसा हुआ, तो ये भी एक यहाँ की खूबसूरती है। अभी लेस एक्सप्लोर्ड है, टूरिस्ट कम आते हैं, बट मैं वैसे एडवाइस करूँगी कि आपको यहाँ पे आके यहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को भी सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट बोल सकते हैं आप। यहाँ की ना क्या खूबसूरती है ना, सुबह सुबह आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं है, 5 बजे ही यहाँ पे कुकड़ू कुकड़ू जो मुर्गा है ना वो स्टार्ट हो जाता है। रास्ता कुछ ऐसा है, मेन रोड तक जाने में लगभग 1 किलोमीटर हमें यहाँ से वॉक करनी पड़ेगी इस होम स्टे से, बट ये भी एक नेचर को एक्सप्लोर करने का तरीका है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा दूर सिटी से रहेंगे या थोड़ा सा ऑफबीट रहेंगे, तो आप रियल में एक्चुअल कल्चर को और साथ में वहाँ पे जैसे जो होम स्टे के लोग हैं उनके साथ रह के वहाँ की जो लोकल फूड है, लोकल ट्रेडिशन है, वो सब एक्सप्लोर करने को ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। कच्चा रोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, कच्चा रोड के बाद यहाँ से आ जाती है मेन रोड, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा मुझे कुछ आइडिया नहीं है, वैसे यहाँ से लगभग अगर थोड़ी दूरी पे भी जाएंगे एक किलोमीटर तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ टैक्सी वगैरह मिल जाए या किसी से लिफ्ट मिल जाए, डोंट नो। चलते हैं बस, लिफ्ट ट्राई करते हैं। कोई भी नहीं, सब फुल है भाई, यहाँ तो रोक ही नहीं रहा कोई। फाइनली हमें यहाँ पे एक लोकल टैक्सी वाले हैं, तो ये कह रहे हैं आपको मेन रोड तक छोड़ देंगे, तो पीछे बैठे। ओके, पिकअप मिली है, लिफ्ट, मतलब इस पिकअप में लिफ्ट मिली है। भूसे में जाएंगे आज, पहली बार नागालैंड में ऐसे कुछ एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। चलो, ये एक्सपीरियंस है यार।
कहाँ से आए? मैं हरियाणा से, हरियाणा हिसार। तो इन्होंने हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। तो ये देखो यहाँ से हम लोग जाएंगे एंट्री करके, यहाँ पे पूरी आपको सिक्योरिटी का बंदोबस्त मिल जाएगा। वेलकम यू टू द हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये देखिए अभी हम पहुँचे हैं यहाँ के मुख्य द्वार पे, किसामा नागा ट्राइबल विलेज। तो ये देख सकते हो एक हेरिटेज विलेज है जहाँ से आपको एंट्री करके जाना होगा। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने एंट्री गेट बनाया है, ये तो मस्त मैं कहना चाहूँगी। टूरिस्ट देखो भाई, यहाँ की गाड़ी काली पीली बहुत टूरिस्ट है यहाँ पे आने वाला, बहुत ज़्यादा। एक और लिफ्ट ली है हमने, पीछे बैठे हैं। ओके, यहाँ पे बैठ ले रहे हैं लिफ्ट इनसे। हाय, व्हाट्स योर गुड नेम? लांडू। लांडू, वाओ। चलो यहाँ पे हमने लिए लिफ्ट। देखिए हॉर्नबिल बर्ड की आपको एंट्री पे ही पिक्चर मिल जाएंगी। हियर वी गो, थैंक यू सो वेरी मच, बाय। लो जी यहाँ से ली हमने सेकंड लिफ्ट आज की। टिकट 20 rupees फॉर लोकल और 50 rupees फॉर इंडियन। ओके, एंड फॉर फॉरनर्स 100। ओके, ऑनलाइन पेमेंट मोड भी है, आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। कैश भी कैरी करें तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा नेटवर्क इशू है। वैसे यहाँ पे आपको एयरटेल जियो बहुत मतलब अच्छा मिल जाएगा नेटवर्क, और BSNL भी अच्छा चलता है, बट आई थिंक थोड़ा सा कैश रखो तो ज़्यादा बेटर है। इस टाइप का एंट्री पे बैंड दिया जाता है आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023। तो आपको जब तक आप इस फेस्टिवल में मेले में रहेंगे तब तक आपको इस हाथ में ऐसे वियर करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा स्पेशियस पार्किंग भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, ये है पेड पार्किंग, ठीक है। तो काफ़ी गाड़ियाँ आज लगी हुई है, लगभग इस साल उम्मीद है कि 1,00,000 से भी ज़्यादा टूरिस्ट आने वाले हैं। 100 फॉर वन डे, 24 आवर्स, यस 24 आवर्स। ओके, तो 100 rupees है 24 आवर्स के लिए। तो यहाँ पे आप पार्किंग ले सकते हैं, बिल्कुल एंट्री गेट पे ही है, ठीक है। ये हो गई है हमारी एंट्री, सिंपल 50 rupees दो और अंदर घुस जाओ। यहाँ पे इसके साथ एक और मिलेट फेस्टिवल 2023 भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड के द्वारा। तो आपको मैं बता देती हूँ कि नागालैंड की जो 60% पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। यहाँ पे इनको देखिए सबसे पहले, दे आर लुकिंग सो ऑसम, हे स्माइल। ब्लैक चेरी वाइन, तो यहाँ की ये लोकल वाइन है। कितने रुपए की बोतल है? 800। ओके, और एक ग्लास कितने का है? एक ग्लास का 100 रुपया, ये 200 और ये 250। ओह ओके, तो ये भी आप टेस्ट कर सकते हैं, इवन परचेज भी कर सकते हैं। इनको बोला है थोड़ा सा सैंपल मुझे टेस्ट करवाएं, जो क्लीन करके प्रॉपर अच्छे से आपको टेस्ट करवाएंगे। तो दीजिए, हमने लिया है थोड़ी सी इतनी सी वाइन टेस्ट करने के लिए। थैंक यू। वाइन को पीने का बेस्ट तरीका पता क्या होता है? ज़्यादा नहीं पता, बट इसको थोड़ा सा स्मेल करो, डीप स्मेल करो, और फिर एक सिप, एक सिप। वाओ, कैसी लगी मैम आपको? बहुत अच्छी, सूदिंग है ना, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सूदिंग, बहुत ही। व्हाट इज दिस? बहुत यूनिक टाइप की हैं। दालें होती है, दाल पल्सेस? नो, ओके, ये मिलेट है। सब मिलेट है, ओके। मुझे ये बाजरे जैसा लग रहा है। ये किस चीज से बना है? स्ट्रो, स्ट्रो से बना है ये, बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही प्रिटी। तो देखिए यहाँ पे एक बार बहुत सारी आर्ट एंड क्राफ्ट की आपको झांकी देखने को मिलेंगी। हे हाय, वेयर आर यू फ्रॉम? रशिया। ओह नाइस, सो आर यू लाइकिंग दिस फेस्टिवल? इज योर फर्स्ट टाइम हियर? ग्रेट। यहाँ से पहुँचे हैं हम विंडो टू नागालैंड, मीन्स मेन एंट्री यहाँ से है। और एंट्री पे ही देखो यार आपको क्या धमाकेदार पब्लिक रश देखने को मिल जाएगा। जा भागो, जा भागो, जा भागो।
दिस वॉज द फर्स्ट परफॉर्मेंस, बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस थी, देखा आपने, आया ना मजा यार, मजा आ गया, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए यार। In the ancient days, headed hunting. ये साथ में बैठे हैं, इन्होंने बताया छन्नुमा संतम एंड दैट वन छन्नुमा। तो अभी जो है वो छन्नुमा ट्राइब है ना, वहाँ पे परफॉर्म कर रही है। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे ये पहले के समय में हंटिंग किया करते थे। जो है यू कैन एक्सप्लोर हंटिंग प्रोसेस। संतम, तो संतम जो ये ट्राइब है अभी ये परफॉर्मेंस देंगे अपनी। इससे पहले भी जो परफॉर्मेंस हमने देखी ना बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी, फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस लेने को मिला यार, मज़ा आ रहा है, बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं यार। The ladies of this tribe are so beautiful. Look at their simplicity, yet so beautiful. मतलब मुझे इनका जो ड्रेसिंग सेंस है ना बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा है। Hi. Say hello. What's your good name? My name is Sapum. 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 Your dress is so elegant, so beautiful. Just looking like a wow. नागालैंड की किचन को भी एक बार एक्सप्लोर करना जरूर बनता है। तो यहाँ देखो ये खाना खा रही हैं प्यारी सी लड़कियाँ। इनकी ड्रेस बहुत ही प्यारी है। हे व्हाट आर यू ईटिंग, कैन यू टेल? आई एम हैविंग फ्रेश बीन्स विद स्प्रिंग अनियन एंड स्मोक पॉक। ओके स्मोक पॉक, ओके हाय, दे आर फीलिंग शाय बट दे आर प्रीटी। ओके यहाँ पे खाना बनाने की प्रोसेस देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पे कच्चे मतलब मिट्टी पे और लकड़ियों पे खाना बनता है, जिससे यहाँ पे स्मोकी स्मोकी फ्लेवर आता है। टंगड़ी, बाप रे बाप, सो एडिबल। इनर बीफ इनर, इसमें है राइस। दिस इज बॉइलिंग वाटर आई थिंक। दाल 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 पॉक। सो यहाँ पे देखो बहुत सारी झोपड़ी यानी हट की शेप में है ना, यहाँ पे ये शॉप्स टाइप से हैं, किचन है यहाँ पे, आप फूड एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे हमने अभी आपको दिखाया पॉक और चिकन बीफ, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वेजिटेरियन के लिए भी ऑप्शन है बट बहुत कम है, ये कह सकते हो लिमिटेड ऑप्शन है। और यहाँ पे ये सिटिंग प्लान है, ना कि इंडियन बल्कि फॉरेनर्स भी यहाँ पे आते हैं। देखिए काफ़ी सारे फॉरेनर्स मुझे यहाँ देखने को मिले हैं। सो हियर यू कैन सी दिस इज द चांग ट्राइब। चांग ट्राइब बनी है। तो इनका एक ये सिंबल है इस ट्राइब का। इस ट्राइब को देखने के लिए बहुत सारी पब्लिक यहाँ झूमी हुई है। ये देखो इनसे मिलिए, ये है चांग ट्राइब के लोग। हाय, ये क्या है? ये दारू है। दारू है? और ये? ये भी दारू है। ये भी दारू है। देखो इसमें है दारू, यहाँ की लोकल राइस बियर, प्योर माल है भाई, झूम जाओगे। यहाँ पे देखो देसी कट्टा बंदूक है भाई, बहुत बड़ी कट्टा नहीं है, इतनी बड़ी बंदूक अभी ये भर रहे हैं चलाने के लिए, तो आप भी चला सकते हैं। पर शॉट इन्होंने मेंशन किया हुआ है 100 रुपीज। सो हियर वी आर एक्सप्लोरिंग वन मोर ट्राइब, हिमियोंगम, ठीक है, ये ट्राइब है। यहाँ पे कल्चरल डांस हम एक्सप्लोर कर रहे हैं यार। मेरे आके यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा, पहले सबसे पहले ये देखो, ये ना बैम्बू में मदिरा,
ये बहुत ही एक्सपीरियंस है, यूनिक वाला। जो है वो यहाँ की यूनिटी को दिखाती है कि कितनी यूनिटी है यहाँ के लोगों में। ट्राइब नेम टिकिया, तो ये टिकिया ट्राइब के पीपल हैं जो यहाँ पे इन्होंने अभी परफॉर्मेंस दी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। लास्ट में ना सब लोग यहाँ पे इनके साथ फोटो सेल्फी लेने के लिए आते हैं। पहनावा देखो यार, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। व्हाट इज दिस? गूसबेरी, गूसबेरी स्वीट। लेट मी ट्राई दिस वन। नशा तो नहीं होता? इट्स गुड। आयो ओले देखो इनकी ड्रेस में ना एक बहुत ही खूबसूरत चीज लगी है जो इन्होंने नेक में पहनी होती है। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस शो मी। खोपू, 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 टाइगर, खोपू। ओके, टाइगर का? अरे बाबा, ये टाइगर का है, असली ओरिजिनल टाइगर। ओके, और ये फीदर? हॉर्नबिल, हॉर्नबिल का। एंड दिस हैट? ओके, नो अमेजिंग। What is this called? लोहे का, मेटल का? निर, निर, निर। ओके, नाइस। Guys, we have Director General of Assam Rifles. So हमारे साथ हैं सर। Hello sir. So Hornbill Festival में सर कैसा, मतलब हमें क्या क्या expectation है, क्या क्या देखने को मिलेगा? This is my very first time. First time? All the tribes, all the culture, their social etiquettes, etc. One stop shop. Okay. And this street is so rich with traditions that you must be physically present here to understand what it is all about. Okay, sir, thank you. And this is like, oh, ribbon. Hello, sir. So, are you trying a local drink? I'm not trying, I'm a local. It's a rice beer. It's आपको कैसा लगा? आप
उनकी be careful what you're talking. No, no. आप उनकी और आप उनकी नहीं not here. मैं उनकी. Okay. So how is your experience? The experience is very wonderful. There's a lot of color, lot of diversity, and so much of celebration is here. That's true. You are looking so pretty, ma'am. Thank you so much. पीछे देख रहे हो ये है इनका पूरा हट लगी हुई है बहुत सारी वेयर यू कैन ट्राई देयर लोकल फूड क्या यहाँ की क्यूजिन है वो टेस्ट कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ की लोकल राइस बियर जो है वो ट्राई कर सकते हैं तो मैं भी यहाँ पे आई हूँ सोच रही हूँ कहीं पे मुझे बियर मिल जाए ट्राई करूँ पर देखो हमने ऑर्डर कर दिया है राइस बियर बहुत देर से मेरे माइंड में था कि यहाँ की लोकल ड्रिंक ट्राई की जाए लेट मी टेस्ट वन इट्स गुड इसमें अल्कोहल कितना होता है अल्कोहल परसेंट फुल 100% तो एक यहाँ पे ना यहाँ के हट स्टाइल इनके हट स्टाइल देखो इसको बुलाते हैं वो रंग ये बहुत ही खूबसूरत है यार इतने सुंदरता से बनाए गए बारीकी से काम किया हुआ है इन पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पे तो एक तरीके से पूरा मेला लगा है लोगों का खाने पीने के लिए बट हम अभी कुछ खा नहीं रहे ये पी रहे हैं पीने के बाद इसका इफेक्ट इंस्टेंट नज़र आएगा आपको फर्स्ट सिप में थोड़ा सा लगेगा कि कुछ अलग से हमने ड्रिंक किया है बहुत तेज है यार बट थोड़ा सा जब आपको टेस्ट बिल्ड होगा ना तो मज़ा आएगा इसको ड्रिंक करने में गारो स्टॉल बनी हुई है वेयर यू कैन बाय ये क्या है ये राइस बियर और ये भी राइस बियर है पर ये वाइट है और ये ब्राउन है डिफरेंट क्वालिटी प्राइस क्या है इन बॉटल्स का 150 ये भी है राइस और ये व्हाट इज दिस ये स्टिकी राइस का बिस्किट है स्टिकी राइस का बिस्किट ओह एंड दिस पकोड़ा है पकोड़ा किस चीज का ये वेज पकोड़ा है वेज पकोड़ा एंड दिस ये है बैगन का पकोड़ा है पकोड़ा और ये क्या है ये खतरनाक चीज है ये सिल्क वॉर्म है सिल्क वॉर्म ए हरियाणा की छोरी अच्छे से जाना हां बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू कैसे बनाता है बियर को हम लोग इसको वो पहले खाना पकाता है खाना पका के उधर में थोड़ा दवाई डालता है दवाई मतलब ये जंगल का सब जंगल का ना मिक्स वाला मिक्स कर रहे हैं उसका बाद ठंडा करके उसको मिक्स करते हैं उसका बाद उसको हालता है उसका बाद रखता है उसके बाद 7 days रखता है उसके बाद झूमता है 7 days रखने के बाद एकदम चकाचक चकाचक सेट अरे हरियाणी की छोरी आ हम लोग इंडियन है वी आर इंडियन वी लव इंडिया आई लव इंडिया ए हरियाणा की छोरी है अच्छा है ना नाइस मेरे धूप में निकला न करो रूप की रानी गोरी रंग पर जाए गनकाली थैंक यू बाय अभी हमने जो है ना नागालैंड ट्राइब की जो यहाँ की लोकल आउटफिट है स्पेशली यहाँ पे आपको शॉपिंग भी कर सकते हैं तो मैंने सोचा एक बार पहन के आपको डेमोंस्ट्रेशन दिखा दें तो ये बताएंगे एक्चुअली इनको क्या कहा जाता है दिस इज दगमंदा 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 ये स्मॉल शावल शावल स्वीट पोटैटोस दगमंदा एंड दिस इज कुतुब दिस इज कुतुब एंड दिस इज टोकिमी टोकिमी फीडर है ना टोकिमी तो ये इनका पूरा एक काउंटर बना हुआ है जहाँ से आप इन सब चीज़ों को परचेज कर सकते हैं तो इनका प्राइस मैंने पूछा काफ़ी अच्छा फैब्रिक है लगभग 1500 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगी थोड़ी सी बार्गेनिंग कर सकते हैं तो ये है काफ़ी मुझे अच्छा लगा इनका आउटफिट तो ये एक यहाँ पे एक छोटा सा स्टोर है वेयर यू कैन परचेज जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग कर सकते हैं तो इसका प्राइस भी मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ फटाफट से तो 1500 का मुझे ये दोनों चीज़ शॉल एंड ये जो ड्रेस है मैंने मुझे मिली है और ये है मतलब आप क्या बोलते हैं इसको रिबॉक रिबॉक कमर बंद शिंकी कमर बंद बुलाते हैं 1500 रुपीज़ और ये गार्लैंड है ये 1000 रुपीज़ एंड दिस इज बट्टा जो है सिर का ये 500 और ये फीदर जो है वो 500 का तो कैलकुलेट करके आप कमेंट्स में बताना मुझे They will be performed in an indigenous way, made by the warriors. This is the next tribe, the Nuwe. Amazing thing.
बंदे ग्राउंड में आ गए हो, देखो उनको जगह ही नहीं थी। सबसे फनी पार्ट है ये देखने को मिला आज। तो नेक्स्ट स्टॉप ये परफॉर्मेंस दिख रहे हैं, ये एक तरीके की ये फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्सरसाइज है, जिसमें ऐसा करने से इनकी फीट जो है वो हेल्दी रहते हैं, बॉडी हेल्दी रहती है, और जो अंदर के डिजीज़ हैं या मेंटल कोई भी प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, उनसे आप निजात पा सकते हैं। तो ये उस टाइप से आज भी उस कल्चर को उन्होंने बचाए हुए हैं, तो ये उस चीज़ को यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस लगी ना, तो पूरा देखो यहाँ पे सब क्लैपिंग से गूंज उठा है। टाइम नेम मोचुरई, ओके। और यहाँ पे जो अभी डांस परफॉर्मेंस चल रही है लाइव, ये है कछारी, कछारी कछारी ट्राइब जो है यहाँ की नागालैंड की, ये डांस परफॉर्मेंस कैन एंजॉय है। भाई साहब खतरों की खिलाड़न है ये, खिलाड़न मुंह में रख लिए तलवार। So it's a closing ceremony. So people देखो यहाँ पे कितने enthusiastic लग रहे हैं। Wow, see the unique thing in his neck. Show me this. डर नहीं लगता? पूरा कैफे पे हमने लिया है द टेस्ट ऑफ नागा बीन्स की स्पेशल कॉफी, ठीक है, और साथ में ये है ब्राउन चॉकलेट केक, छोटी सी पफ, और यहाँ के वेफर बाजार ₹10 में मिल रहे थे, बड़े ही सेक्सी है यार। एक तो है यहाँ पे स्ट्रॉबेरी और एक है चॉकलेट, ठीक है, तो कॉफी सबसे पहले। चीयर्स। And if I were a book filled with pages no letters, I'd fill you up with colors and stars. This was the day for us. हमने मतलब बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, मगर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो एक्सप्लोर किया जाना बाकी है, बट होपफुली आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाने को मिले, क्योंकि ये व्लॉग में दिखा पाना, एक व्लॉग में दिखा पाना इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट टू शो, एंड या नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे। और मैं अभी फाइनली फिर से वहीं आ चुकी हूँ जहाँ से मैंने मॉर्निंग स्टार्ट की थी अपने होम स्टे में, तो मैं एक बार दिखा देती हूँ कहाँ पर स्टे कर रही हूँ और इनकी डॉर्मेट्री कैसी है जहाँ स्टे कर रहे हैं। सो सोनल ऑल्सो वी हैव विद अस, सो यहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं। ये पूरा एक फीमेल डॉर्मेट्री है, और अगर आप चाहें तो मिक्स डॉर्म में भी रह सकते हैं। तो इसका हमने पे किया है ₹500, दे हैव प्राइवेट रूम ऑल्सो, तो आप वो भी बुक कर सकते हैं, जिसका आपको अप्रोक्सीमेटली जो फेयर है वो 2500 से 3000 वेरी करता है। अगर आपको ये बुकिंग करनी है तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो या यहीं तक था व्लॉग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और भी धमाकेदार अच्छे से एक्सप्लोर करते हुए मिलेंगे आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल को। So guys, take care, bye, lots of love.